मैं आपकी दोस्त एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। क्या कोई एक राज्य से भी छोटी सी जंग है देश हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या यह एक आजाद देश होगा? क्या यहाँ के लोग बाकी देशों की तरह रहते हैं? क्या यहाँ महिलाओं को छूट मिलती है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ आज हम आपको विश्व के अनोखे और बेहद ही सुंदर देश के बारे में बताएंगे, जिसका नाम आपने शायद ही सुना हो। दोस्तों, ये देश है सैन मरीनो। सैन मरीनो के बारे में और आगे ज्यादा जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, यह यूरोप की सबसे छोटी कंट्रीज में से एक है, जिसका क्षेत्रफल केवल 61.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में 190 नंबर पर आता है। मतलब ये इतना छोटा है, आप इसकी तुलना हरियाणा राज्य से कर सकते हैं। विश्व के भूगोल में ये देश अपना अलग ही महत्व रखता है। यहाँ की भाषा, रहन सहन, कपड़े, खान पान और संस्कृति, इतिहास काफी पुराना है। दोस्तों, सैन मरीनो चारों दिशाओं से इटली से घिरा हुआ है और इसका बॉर्डर केवल इटली देश के साथ जुड़ता है। सैन मरीनो ने 3 सितंबर 301 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य से आजादी हासिल कर ली थी। इसके अलावा इस देश ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा भी नहीं लिया था। यहाँ के अधिकांश लोग इटालियन मूल के हैं और इसी वजह से यहाँ की आधिकारिक भाषा इटालियन है। इस देश की राजधानी सैन मरीनो सिटी है, लेकिन ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर नहीं है। सबसे बड़े शहर का नाम सर्वेवल्ले सिटी है। पैसे के रूप में यहाँ यूरो ही चलता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक यूरो भारत के 84 रुपए के बराबर है। अब जब ये देश इतना छोटा है तो इसकी अपनी कोई आर्मी भी नहीं है। इटली की सेना ही इसे दूसरे देशों से सुरक्षा दिलाती है, लेकिन यहाँ आपको गार्ड ऑफ फ्रांस नाम की पुलिस देखने को मिलेगी, जो यहाँ के लोगों को सीमा के अंदर सुरक्षित रखती है। दोस्तों, सैन मरीनो की लड़कियाँ और महिलाएं बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं। भले ही ये छोटा सा देश है, लेकिन टूरिस्टों के मामले में यहाँ कभी कोई कमी नहीं आती। सैन मरीनो में आपको पुराने किले, छोटे जंगल और शॉपिंग मॉल से लेकर सैकड़ों साल पहले लगने वाले बाजार के साथ ओलंपिक स्टेडियम तक देखने को मिल जाएंगे। सैन मरीनो में पुरुषों की कमी है और यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैन मरीनो अन्य देशों की तुलना में महिलाओं को बड़े पदों पर भारी संख्या में नियुक्त करता है। इस देश में गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। साथ ही यहाँ का कॉलिंग कोड +379 है। दोस्तों, सैन मरीनो की अगर जनसंख्या देखी जाए तो यहाँ पर केवल 33,000 के आसपास लोग रहते हैं और पॉपुलेशन के मामले में यह देश 288 नंबर रखता है। इस देश को अपने ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको सैकड़ों साल पुराने अलग अलग साम्राज्यों के महल और किले देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कानूनी रूप से वैश्यवृत्ति करना अपराध माना जाता है, लेकिन यहाँ की महिलाएं अपनी मर्जी से खुद के लिए ये काम कर सकती हैं। यहाँ के लोग काफी धार्मिक होते हैं, लेकिन जब भी इन्हें समय मिलता है तो ये मौज मस्ती और पार्टीज करने में पीछे नहीं हटते। यहाँ बेरोजगारी जैसी कोई चीज है ही नहीं, सभी के पास कोई न कोई नौकरी या काम मौजूद है और यहाँ के लोगों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही काम करना होता है, वो भी दिन में केवल 6 घंटे। दोस्तों, अगर आप यहाँ की महिलाओं को कोई गिफ्ट दे तो फिर ये उस आदमी से काफी खुश हो जाती हैं और जल्दी ही उसे दोस्त बना लेती हैं। अब आप इनकी दोस्ती का मतलब तो अच्छी तरह समझते ही हैं। सैन मरीनो में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो यहाँ के 98% लोग फॉलो करते हैं। ये विश्व का 5वां और यूरोप का 3रा सबसे छोटा देश है। यहाँ के लोगों को कार काफी पसंद होती हैं, इसीलिए यहाँ लोगों की संख्या तो 33,000 है, लेकिन कारें 50,000 से भी ज्यादा रजिस्टर हैं। सैन मरीनो का झंडा पूरी दुनिया में 6 अप्रैल साल 1862 में अपनाया गया था। इस झंडे में 2 रंग है, नीला और सफेद। नीला रंग आकाश को दिखाता है तो वहीं सफेद रंग बर्फ का प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर केवल 292 किलोमीटर की सड़कें हैं। दोस्तों, सैन मरीनो के लोग अपने देश को सबसे पुराना आजाद देश मानते हैं। इस देश में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद यहाँ के सारे छात्र इटली की कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, जिसमें से 70% लोग इटली में ही बसकर अपना जीवन बिता लेते हैं।
दोस्तों सैन मरीनो का बैंकिंग सिस्टम काफी एडवांस माना जाता है, तो अगर आपको सैन मरीनो देश का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।